हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। तो आज हम शुरू करें एक नया सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। तो इसमें हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें होगा सोशियोलॉजी के बारे में कि सोशियोलॉजी क्या होता है, और हम इसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इन सभी पॉइंट्स को कवर करें। अगर एक वीडियो में नहीं हो पाया तो हम इनको दो वीडियो में जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो सोशियोलॉजी के बारे में जानने से पहले आपको सोशियोलॉजी का मीनिंग पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो सोशियोलॉजी, अगर आप इसे क्वेश्चन को, इस वर्ड को हाफ डिवाइड कीजिए, सोशियोलॉजी, सोशो मीन्स समाज यानी कि एक पूरा समाज, और लॉजी मीन्स साइंस यानी कि समाज के बारे में जानना यानी कि समाज विज्ञान। ठीक है, अब हम इस समाज में रहते हैं तो हम इस समाज के बारे में जानना चाहते हैं कि ये सोशियोलॉजी क्या है। चलिए अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इससे हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। द टर्म सोशियोलॉजी वॉज कॉइंड बाय द ऑगस्ट कॉम्टे टू डेजिग्नेटेड द साइंस ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। He was a French philosopher in 1839. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सोशियोलॉजी की टर्म है यानी कि जो सोशियोलॉजी वर्ड है वो डेजिग्नेट हुआ है, मीन्स जो सोशियोलॉजी का जो नाम पढ़ाया गया, क्यों पढ़ाया गया, साइंस ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन यानी कि जो ह्यूमन जिससे एसोसिएटेड है, यानी कि एक ह्यूमन जो है जहाँ पर वो रह रहा है, जिस समाज में वो रह रहा है। तो ये अगस्त कॉम्टे कौन है, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसमें। सोशियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड सोसाइटीज मीनिंग सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो है वो कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से निकल कर आया है, एक लेटिन वर्ड से निकल कर आया है। लेटिन वर्ड क्या था, सोसाइटीज, जिसका मतलब होता है सोसाइटी, एंड ग्रीक वर्ड, और एक ग्रीक वर्ड से निकला है लोगोस विच मीन्स थ्योरी यानी कि साइंस की, सोसाइटी की थ्योरी यानी कि सोसाइटी के बारे में जानना कि सोसाइटी में क्या है, एक इंसान, एक आम इंसान जो है सोसाइटी से कैसे लिंक होता है, वो कैसे इस सोसाइटी में सर्वाइव करता है, इस सोसाइटी को अपनाता है और इस सोसाइटी में वो रहता है। थर्ड पॉइंट है इसमें, इट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विच कंसाइडर एज अ सोशल साइंस, मीन्स ये एक साइंस है ह्यूमन सोसाइटी के बारे में। ह्यूमन सोसाइटी मीन्स जहाँ पर एक इंसान जो है रह रहा है। ठीक है, हम जहाँ रह रहे हैं, हम इंडिया में किसी स्टेट में या किसी जो है शहर में रह रहे हैं, तो वो क्या है, एक सोसाइटी है। इट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विच कंसाइडर एज अ सोशल साइंस। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोशल साइंस। ऑल ह्यूमन बींग हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यानी कि हर इंसान एक दूसरे इंसान से इंटरेक्ट होता है यानी कि मिलता जुलता है, अपने फीलिंग्स शेयर करता है, अपने थॉट शेयर करता है, तो वो इंटरेक्ट होता है यानी कि एक बॉन्ड बनाता है इस समाज में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, सर्वाइव मीन्स यहाँ पर रहने के लिए, जीवित रहने के लिए या फिर अपना जीवन बिताने के लिए वो दूसरे इंसान से इंटरेक्ट होता है यानी कि दूसरे इंसान से अपना रिलेशन बनाता है, बॉन्ड बनाता है। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन के बारे में कि किन किन फिलोसोफर्स ने क्या क्या बोला है कि सोशियोलॉजी क्या होता है। तो फर्स्ट है मैक्लिवर एंड पेज, इन्होंने क्या बोला है, सोशियोलॉजी इज अबाउट अ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि सोशल रिलेशनशिप मीन्स जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, इंटरेक्ट करता है, बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, एक तरह से वो क्या कर रहा है, एक रिलेशन बना रहा है दूसरे इंसान के साथ। द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल सोसाइटी, फिर क्या हुआ, उसने एक नेटवर्क बनाया। ठीक है, जैसे
एक इंसान ने अपने जो है नेबर के साथ, अपने पड़ोसी के साथ रिलेशन बनाया, ठीक है। फिर जो है उसने फिर एक गली से अपने जहाँ वो रह रहा है, ठीक है, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। फिर उन्होंने अपनी कॉलोनी से मिलना जुलना शुरू किया। फिर उसने अपने पूरे सेक्टर से, तो ऐसे क्या हुआ, उसने एक नेटवर्क बना लिया अपने रिलेशनशिप से, यानी कि वो सबको जानने लग गया, वो एक समाज में इंटरेक्ट हो गया। तो उसने एक रिलेशनशिप जो है अपना बिल्ड कर लिया। तो उसे उसको उन्होंने बोला एक सोसाइटी, जिस वर्ग जी बोलते हैं, सोशियोलॉजी इज द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि क्या है स्टडी, सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, यानी कि सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि एक ह्यूमन जो है कैसे वो दूसरे इंसान से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, इंटर रिलेशन बनाता है, यानी कि वो एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, देयर कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि क्या क्या कंडीशन के थ्रू जो है वो ये रिलेशन बनाता है, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या जो है उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से वो किस किन कंडीशन को फेस करके वो सब जो है बिल्ड कर रहा है। थर्ड आ जाता है गिलिन एंड गिलिन। सोशियोलॉजी इज द ब्रॉडकास्ट सेंस मे बी सेड टू बी स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन अराइजिंग फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी कि सोशियोलॉजी क्या है, एक सेंस, यानी कि स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन। यहाँ पर भी वो यही बात कह रहे हैं कि ये क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, एक स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन है अराइजिंग फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि कहाँ से आ रही है, जो लिविंग थिंग्स, यानी हम, हाँ, इंसान क्या है, लिविंग थिंग्स है, ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, हम क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो यानी कि हमारे इंट्रैक्शन पर स्टडी करना क्या है, सोशियोलॉजी है, कि हम कैसे लोगों से, कैसे एक सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं, कैसे दूसरे लोगों से हम रिलेशन बनाते हैं, वो क्या हुआ, एक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी हुआ, उसे बोलते हैं हम सोसाइटी सोशियोलॉजी। फोर्थ डेफिनेशन है अगस्त कामते की, इट इज़ द साइंस ऑफ सोशल प्रोसेस, सब्जेक्ट ऑफ नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉस, द डिस्कवरी ऑफ विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ सोशल प्रॉब्लम, यानी कि एक साइंस है सोशल प्रॉब्लम की, यानी कि एक इंसान जो है एक सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, यानी कि जब वो दूसरे इंसान के साथ रिलेशन भी बना रहा है तो उसे कितनी प्रॉब्लम हुई है उस इंसान से बात करने में, ठीक है। सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉस, उसको क्या क्या, ये नेचुरल हुआ या अननेचुरल हुआ, तो उसको क्या क्या वेरिएबल्स हुई, क्या क्या दिक्कतें हुई, ठीक है, क्या क्या कानूनी तौर पर उसको प्रॉब्लम्स हुई, द डिस्कवरी ऑफ विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी डिस्कवरी मीन्स वो भी यहाँ पर स्टडी ही कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में। सेकेंड पॉइंट था हमारा नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी जो है क्या है, ठीक है, सोशियोलॉजी साइंस है या फिर यह साइंस नहीं है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कंट्रोवर्सी हो रही है, यानी कि आपस में मतभेद हो रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो है साइंस है या फिर ये एक नॉर्मल चीज़ है जिसे सब पढ़ सकते हैं। देखिए, अब हम जो GNM कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, BSc कर रहे हैं, तो ये सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये इंक्लूड किया गया है, ठीक है, हम साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी हमें दिया गया है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी है कि ये साइंस सब्जेक्ट है या फिर नहीं है, तो इसको हम पढ़ते हैं। देर इज़ अ ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी के नेचर के बारे में कॉन्ट्रोवर्सी है, ठीक है, यानी कि मतभेद है। सम स्टेट दैट द सोशियोलॉजी शुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ साइंस, यानी कि कुछ मानते हैं कि सोशियोलॉजी जो है साइंस नहीं है, ठीक है, बट अदर असर्ट दैट द सोशियोलॉजी इज अ साइंस एज अदर सोशल साइंस, यानी कि वो कह रहे हैं कि दूसरे सोशल साइंस की तरह ये भी एक साइंस है। तो आगे हम पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी इज द साइंस, ठीक है, अगर कुछ लोग ये मान रहे हैं कि सोशियोलॉजी साइंस है तो कैसे साइंस है, तो हम पढ़ते हैं इसमें कि वो कैसे, वो किस वजह से ये बोल रहे हैं कि वो सोशियोलॉजी जो है एक साइंस है। द साइंस मे बी डिफाइंड बाई एटलीस्ट टू वेज, इन्होंने दो तरीके से इसको डिफाइन किया है। सबसे पहले है अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वेरीफाइड नॉलेज एंड सिक्योर थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। इन्होंने बोला है कि
इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, जो भी नॉलेज उनके पास थी सोशल साइंस के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, उसको उन्होंने वेरीफाई करवाया, ठीक है, उसको सिक्योर किया और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की है उस पर, ठीक है। देन सोशो इज अ साइंस एज इट डिवेल्प अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज वेरीफाइड नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड मेथड, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है, ठीक है, जो जो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो जो भी उन्होंने मेथड अपनाए हैं, ठीक है, जो भी उनको नॉलेज इकट्ठी हुई है उनको उन्होंने वेरीफाइड करवाया है। वेरीफाइड करवा के उन्होंने ये साबित किया कि सोशोलॉजी एक साइंस है, ठीक है। तो अभी सिर्फ वो इतना ही बोल रहे हैं कि उन्होंने वेरीफाई करवाया है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज कराया, वेरीफाई करवाया है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की है, ठीक है, और मेथड्स अपनाए हैं सोशियोलॉजी को साइंस बनाने में, ठीक है। ये तो हुआ इनका एज ए साइंस। देन जो फिलोसोफर ये मानते हैं कि ये साइंस नहीं है, वो कैसे मान रहे हैं इस चीज़ को, सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस। दोज हु डिनाई दैट द सोशो इज अ साइंस आर्ग्यू एज फॉलो, कैसे वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये साइंस नहीं है, लैक ऑफ यूनिवर्सल थ्योरी, यानी कि पूरे यूनिवर्स में इसकी थ्योरी नहीं मिलती है, यानी कि इसके कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है, ठीक है। देन मेजरमेंट की इसमें कमी है, नाप तोल की इसमें कमी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट थर्ड है, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं हुए हैं, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई सबूत नहीं है कि ये साइंस है। देन कोई प्रडिक्शन नहीं मिला है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं मिली है, एग्जैक्टनेस नहीं मिला है कि हाँ ये सोशियोलॉजी है, क्लियर टर्मिनोलॉजी जो है इसमें नहीं मिली है, ठीक है। इन सबूतों से उन्होंने ये वेरीफाई करने की कोशिश की है कि सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं है। थर्ड टॉपिक है हमारा करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी, के सोशियोलॉजी के क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं। सोशियोलॉजी इज अ पॉजिटिव और कैटेगोरिकल एंड नॉट अ नॉर्मिट साइंस, कि सोशियोलॉजी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, इससे किसी को जो है इससे जो है पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है, कुछ भी उनको नुकसान नहीं हो रहा है, और कैटेगोरिकल एंड नॉट अ नॉर्मिट साइंस, ठीक है, ये एक नॉर्मिट साइंस नहीं है। सोशियोलॉजी इज थ्योरेटिकल साइंस एंड नॉट एन अप्लाई साइंस, तो ये क्या है, एक थ्योरेटिकल साइंस है, यानी कि इसमें सिर्फ थ्योरीज दी हुई हैं जिनको हम पढ़ते हैं समझते हैं, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क इसके अंदर नहीं है। सोशो इज अ बोथ रेशनल एंड इम्पीरिकल, तो ये क्या है, रेशनल भी है और इम्पीरिकल भी है। रेशनल है इम्पीरिकल मीन्स, रेशनल मीन्स उनका जो है, उनकी जो ये थ्योरी है लॉजिकल है, ठीक है। इम्पीरिकल मीन्स एक्चुअली जो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है, ठीक है, एक्चुअलाइजेशन है इसके ऊपर। देन सोशो सोशो इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स उनके एग्जिस्टिंग थॉट्स हैं, यानी कि उनका जो सार है, उन्होंने जो भी निचोड़ इसका निकाला है, ठीक है, और कॉन्क्रीट है, यानी कि एक ठोस जो है उनकी ठोस साइंस है ये, ठीक है। ये क्या हुआ, उसके करेक्टरिस्टिक हुए, करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, के सोशियोलॉजी के क्या स्कोप हैं। स्कोप मीन्स द सब्जेक्ट मैटर और द एरिया ऑफ स्टडी, यानी कि सोशियोलॉजी का स्टडी एरिया क्या है, यानी कि कहाँ तक हम इसको पढ़ सकते हैं, कितनी नॉलेज हम सोशियोलॉजी की ले सकते हैं। देन एवरी साइंस हैज़ इट्स ओन फील्ड ऑफ इंक्वायरी, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी अ साइंस सिस्टमेटिकली, तो यानी कि वो कह रहा है कि हर साइंस की जो है अपनी अपनी फील्ड होती है स्टडी करने की, ठीक है, उसके बारे में जानने की, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि उसको जो है सिस्टमेटिक तरीके से समझना, ठीक है, क्योंकि एरिया बहुत ही वास्ट होता है, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं होता है, तो आप जितना चाहे उसको पढ़ना चाहे उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको समझना इजी नहीं होता है। देन व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज़ अ प्रॉब्लम विच शुड बी क्लियरली सॉल्व फॉर द प्रॉपर स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज़ अ प्रॉब्लम, यानी कि अगर हम इसको लिमिट करना चाहें कि कुछ रिसर्च करके हम ये बता दें कि सोशियोलॉजी पर्टिकुलर सोशियोलॉजी जो है ये है, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं नाप सकते, क्यों, क्योंकि जब तक हमारी जो है प्रॉपर स्टडी इस पर नहीं होगी, ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इसको जो है हम अपना निष्कर्ष नहीं निकाल सकते इस पर, ठीक है।
तो नेक्स्ट है इसमें, देर आर टू मेन स्कूल ऑफ सोशोलॉजी, यानी कि उन्होंने कैसे जो है इसको बताया है कि कैसे जो है इसको स्टडी किया गया है, कैसे उन्होंने अपने व्यू दिए हैं इस पर। तो आगे है इसमें स्पेशलिस्ट एंड फॉर्मलिस्ट स्कूल, ठीक है, यहाँ पर जो स्टडी हुई है यहाँ पर वो क्या स्टडी की है, उन्होंने कैसे स्टडी की है वो बताया गया है। द फॉर्मल स्कूल इज इन द फेवर ऑफ गिविंग सोशियोलॉजी अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि उन्होंने सोशियोलॉजी को क्या दिया है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर बताया है, ठीक है, यानी कि उन्होंने उसे एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं बताया है। इट इम्फेसाइज इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी रिलेशनशिप एंड रिगार्ड सोशियोलॉजी एज इंडिपेंडेंट, यानी कि उन्होंने क्या इम्फेसाइज किया है कि सोशियोलॉजी की स्टडी क्या है, रिलेशनशिप एंड द रिगार्ड सोशियोलॉजी एज इंडिपेंडेंट, यानी कि इसको इंडिपेंडेंटली स्टडी किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, उन्होंने बोला कि स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि जो सोशल रिलेशनशिप बन रहे हैं, यानी कि एक पर्सन जो है अपना सोशल रिलेशनशिप बना रहा है उसको स्टडी करना है, तो ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च होनी चाहिए। तो इसमें अकॉर्डिंग टू सिमले उन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने अपने व्यू दिए हैं, ये बोल रहे हैं कि सोशियोलॉजी इज़ अ स्पेसिफिक सोशल साइंस, ये क्या है, एक स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर सोशल साइंस है। ही कैरिड आउट स्टडी ऑन द फॉर्मल रिलेशनशिप, ये किस पर कैरी कर रहे हैं, किस पर स्टडी कर रहे हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप, ठीक है, जो नॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, सच एज कोऑपरेटिव कॉम्पिटिशन, ठीक है, सुपर ऑर्डिनरी रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू वीर कंडेंटेट, ये क्या बोल रहे हैं, सोशियोलॉजी शुड बी कंसर्न्ड अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेंटल रिलेशनशिप विच नोट द पीपल इन अ सोसाइटी टुगेदर, यानी कि इन्होंने क्या किया है, कंसर्न किया है, यानी कि जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, मेंटल रिलेशनशिप पर बेस्ड है, ठीक है, जो नोट करता है, यानी कि जो पीपल लोगों को जो है बांधता है सोसाइटी में एक साथ, ठीक है। देन सेकेंड इन्होंने क्या बोला, सिंथेटिक स्कूल, इसमें क्या आता है, इन दिस सोशियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेज, इन्होंने इसको थ्री ब्रांचेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। तो सोशल मॉर्फोलॉजी में क्या आता है, जियोग्राफिकल स्टडी आ जाती है, ठीक है, एंड टेरिटोरियल एरिया, यानी कि जियोग्राफिकल रिलेटेड से सोशियोलॉजी इन्होंने इसके अंडर लिया है, ठीक है, और टेरिटोरियल एरिया इन्होंने लिया है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है सोशल फिजियोलॉजी में आ जाता है, डील्स विद जीन्सेस एंड वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस, मीन्स जो जीनियस रहे हैं, यानी कि सोशल फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो जीनियस उन्होंने जो रिसर्च करी है, ठीक है, और जो भी इंस्टीट्यूशन उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है उन्होंने इसके अंदर इनको जो है कवर किया है। देन थर्ड में आ जाता है फॉर्मुलेट जनरल लॉज, जो भी इसके लिए जनरल लॉ बने हैं, यानी जो जनरल कानून बने हैं उसके अंडर उन्होंने जो जनरल सोशियोलॉजी की स्टडी की है। उसके बाद एक और फिलोसोफर है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मेने मेनेम, इन्होंने क्या बोला, सोशियोलॉजी डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन, इन्होंने सोशियोलॉजी को टू सेक्शन में डिवाइड किया है, सिस्टमैटिक एंड हिस्टोरिकल। सिस्टमैटिक में इन्होंने बोला है डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर ऑफ लिविंग, यानी कि क्या क्या फैक्टर हैं लिविंग, यानी कि एक इंसान को रहने के लिए क्या क्या फैक्टर उनको फेस करने पड़ते हैं। हिस्टोरिकल में उन्होंने लिया डील्स विद हिस्टोरिकल वेराइटी एंड एंड द एक्चुअलिटी ऑफ जर्नल फॉर्म ऑफ सोसाइटी, ठीक है, यानी कि उन्होंने हिस्टोरिकल वेराइटीज़ ली हैं, ठीक है, जो पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड, ठीक है, द एक्चुअलिटी ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी, जो एक्चुअल में जो सोसाइटी है उसको यानी कि उस फॉर्म को जो है उन्होंने बोला है कि ये सोशियोलॉजी का फॉर्म है। इसको आगे टू पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, कंपेरेटिव एंड डायनेमिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, की सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, क्यों हमें जो है इसकी रिक्वायरमेंट है सोशियोलॉजी की। इसमें फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल बोथ बाय नेचर एंड नेसेसिटी, यानी कि एक इंसान क्या है, एक सोशल एनिमल है, यानी कि वो सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता, ठीक है, उसे अपनी ज़रूरतों के लिए और सर्वाइव करने के लिए उसको सोसाइटी की ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि वो इंसानों से घिरा हुआ एक प्राणी है, वो इंसानों के बिना नहीं रह सकता है, वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है।
देन ही इज़ टू लिव इन सोसाइटी एंड सॉल्व सोशल प्रॉब्लम विच फेस हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम. यानी कि वो एक सोसाइटी में रहता है, ठीक है, और उसके बाद जो जो उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको जो है वो सॉल्व करता है. अगर उसे सॉल्व नहीं होती तो वो किसी से राय लेता है, किसी की हेल्प लेता है, ठीक है, लेकिन उसको सॉल्व करता है. और जो भी उसको प्रॉब्लम आती रहती है फिर टाइम टू टाइम जो वो प्रॉब्लम फेस करता रहता है, तो वो सोसाइटी में रहकर उनको सॉल्व कर सकता है. इन द सोसाइटी ही इज़ एक्टिंग अंडर सर्टन प्रेशर एंड देर आर द सोशल इम्पल्स एंड पैशन विच गाइड एंड चेक हिज एक्शन. यानी कि जब वो सोसाइटी में रहता है, ठीक है, कई तरह के काम करता है, कई तरह के प्रेशर के अंदर भी काम करता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो हिम्मत है, वो उसका जो पैशन है, वो भी उसके साथ काम करता है, ठीक है. कैसे वो, जैसे वो कोई प्रॉब्लम में आ जाता है तो कैसे उसका पैशन उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, ठीक है, कैसे वो एक्ट करता है, ठीक है. तो ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, उसका सोसाइटी में हो रहा है. देन इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल दैट देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट विच शुड स्टडी द एक्शन एंड द रिएक्शन ऑफ मैन इन सोसाइटी. तो इन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, एक सब्जेक्ट है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इंसान जो है किसी सिचुएशन में फंस कर कैसे वो एक्शन करता है और रिएक्शन करता है एक सोसाइटी में रहकर. देन इट कैन बी एक्सप्लेन, उन्होंने आगे इनको एक्सप्लेन किया है सोसाइटी जो है, एक सोसाइटी के जो क्या है, सोशोलॉजी क्या है, एक सोसाइटी है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है, ह्यूमन वर्क है, सोसाइटी है जहाँ पर इंसान रह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन है, यानी कि यहाँ पर रह के इंसान सीखता है कि उसको प्रॉब्लम को जो है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है. ह्यूमन वर्क यानी कि एक इंसान सोसाइटी में रहकर कितने काम करता है, ठीक है. चेंज इन आउटलुक, चेंज इन आउटलुक में क्या होता है, सोशोलॉजी चेंजेज अवर आउटलुक विद रिगार्ड टू प्रॉब्लम, इट कॉन्ट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड ऑफ ह्यूमन कल्चर. तो सोशियोलॉजी क्या करती है, एक इंसान का आउटलुक चेंज करती है विद रिगार्ड ऑफ टू प्रॉब्लम. यानी कि एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी रहा है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं कि उसको जो है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. इट कॉन्ट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड ऑफ ह्यूमन कल्चर, तो उसको जो है ह्यूमन कल्चर को समझना है यहाँ पर. देन इट टॉट अस टू बी ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल डिसपैशनेट. यानी कि ये हमें सिखाता है, ठीक है, कि कैसे जो है हमें वर्क करना है ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल्स, यानी कि कैसे क्रिटिकल सिचुएशन में हमें बाहर निकलना है, ठीक है. देन आ जाता है इंट्रोडक्टरी फंक्शन. इसमें क्या होता है, इट सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द सोशल सिस्टम. तो ये क्या है, सोशल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है. देन इंफॉर्मेशनल फंक्शन, इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन थियोरेटिकल नॉलेज विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. तो यहाँ पर वो क्या दे रहा है, थियोरेटिकल नॉलेज दे रहा है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में. देन सेवन्थ पॉइंट है हमारा नर्सिंग, इट हेल्प नर्सिंग पर्सनल डिस्प्ले टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग व्हेन डील विद द पेशेंट एंड अदर. तो यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि टॉलरेंस यानी कि जो हमें सिखाता है सहन शक्ति और पेशेंट के साथ रह करके सहन शक्ति से कैसे काम करना है, ठीक है, पेशेंट को कैसे समझना है, तो पेशेंट से कैसे डील करना है, इसका मतलब यही है. तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो हमारे सिर्फ एक पॉइंट रह जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.